भाभी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आ जाए ना वापस, आकर अम्मी को गले लगा कर सॉरी कह देना, एकदम से माफ कर देंगी। बचपन से मैं भी ऐसी करती आ रही हूँ। बचपन गुजर गया है निम्मी, हम सब बड़े हो गए ना। हम बच्चों वाली हरकतें करते हैं और ना बड़े हमें बच्चा समझ कर माफ करते हैं। ओफो भाभी, अब आए तो सही, हम सब मिलकर अम्मी को मना लेंगे। अच्छा मेरा फोन दो। थोड़ा सब्र नहीं है आपको? हाँ बात कर लूँ मैं, फिर तो आपने बात करनी है ना। हाँ अच्छा भाभी बताए ना प्लीज, कब आ रही हैं? कल आ रही है ना आप? हाँ वो अब इस घर में नहीं आएगी। अम्मी अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज भाभी को माफ कर। मैंने कहा ना वो अब इस घर में नहीं आएगी कभी। जाओ अपने कमरे में। अम्मी भाभी की कोई गलती नहीं थी, अब प्लीज उनको। तुमने सुना नहीं, वो अब इस घर में नहीं आएगी। जाओ फौरन। साइम, तुम्हें कल मेरे साथ मिसेस राहिल के घर चलना है। क्यों? वो मैंने उनकी बेटी को तुम्हारे लिए पसंद किया है। ठीक बात, आप बहुत गौर से सुन लें कि फजर को तुम्हें मैं छोड़ सकता। प्लीज बात को समझ लें आप। तुम पागल तो नहीं हो गए साइम? साइम दिमाग खराब हो गया सबका, छोटी सी लड़की ने पूरे घर को पागल कर दिया।